हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एग्जाम स्टडी पे। तो हम लोगों ने एसे के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेटर्स के बारे में, जो हमारे सीएचएसएल के टायर टू में तथा जो अभी हमारा जो हुआ तो 29 तारीख या 30 तारीख को है, उसके बाद जो हमारा कुछ ही दिन बाद एमटीएस भी होगा, तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने एसे के बारे में बताया था कि आप एसे को कैसे पढ़ें या जैसे लिखना है आपको, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप लेटर्स का भी बता दीजिए मुझे, तो मैं इसलिए ही ये लेटर्स वाला लेके आया हूँ। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो उससे आपको ये जो हमारे लेक्चर जो नए आएंगे उससे आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग लेटर्स की बात करते हैं। देखिए, एसे और लेटर पर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एसएससी की मार्किंग का जो है तो उसमें यह है कि एसे पे आपको नंबर कम मिलते हैं तथा लेटर्स पे ज़्यादा मिलते हैं। उसका यह है क्योंकि जो हमारे लेटर्स हैं उनका एक पैटर्न है कि आपको इस पैटर्न पे अगर आपने लिख दिया तो आपको फिक्स जो नंबर है वो मिल जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लेटर्स की, एक तो एसे हो गया, वो भी 50 नंबर का होता है, और हमारा जो लेटर होता है वो भी 50 नंबर का ही होता है। तो लेटर्स तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, पहला आएगा फॉर्मल वाला, सेकंड आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है? देखिए, फॉर्मल वो होता है कि एक, देखिए लेटर्स पे दो साइडें होती हैं, एक होती है जो सेंड करता है, एक होता है जो रिसीव करता है। तो अगर फॉर्मल लेटर वो लेटर होगा जिसमें एक ही साइड कोई गवर्नमेंट साइड हो, कोई भी आदमी ना हो वहाँ पे, सिंगल पर्सन ना हो, कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी हो, तो हमारा फॉर्मल लेटर वहाँ पे बन जाता है। जैसे कि किसी भी ऑफिस ने आपको लेटर लिखा तो वो फॉर्मल लेटर हो जाएगा। और इनफॉर्मल लेटर ये होता है कि आपने आपके परिवार वालों को, आपने जानने वालों को, आपने अपने दोस्तों को, घर पे कहीं भी लिखा, कोई भी लेटर लिखा, तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर आ जाता है। और फॉर्मल लेटर होता है जिसमें एक जो साइड हो वो कोई संस्था हो या कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी संस्था हो, तो वो भी हमारा फॉर्मल लेटर आएगा। एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी ने अभी तक, देखिए अगर टोटल देखें तो 5-6 एग्जाम होंगे जिसमें उसने टायर टू लिया है, तो हमेशा इनफॉर्मल लेटर ही उसने पूछा है, फॉर्मल लेटर नहीं पूछा है। बाई चांस ये हो सकता है कि इस बार पूछ ले, लेकिन ऐसी चांस बहुत कम है कि ये फॉर्मल लेटर पूछ ले, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आने को तो कुछ भी आ सकता है। अभी तक पूछा है इनफॉर्मल, तो ये ज़रूरी नहीं कि इनफॉर्मल ही पूछेगा, फॉर्मल पूछ लेगा। तो आप पूरे के लिए प्रैक्टिस करिएगा, डिफरेंस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मेन तो मैं फिर से बोलूँगा, ऐसे में भी और लेटर में भी मेन बात है कंटेंट की। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, उस अगर वही है कि आप एग्जामिनर की पूरे ऐसे पे बात कर लें या लेटर की बात करें, पूरे ऐसे पे उसकी कहीं भी नज़र गई, उस एक लाइन उसने पढ़ी, उस लाइन से उसको समझ में आ गया कि हाँ इसका अच्छा लिखा है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उस लाइन से उसको लगा रही है तो लपेट रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तभी लोग बोलते हैं सर मैंने तो अच्छा लिखा था लेकिन नंबर कम आए। तो उसका रीज़न यही है कि ये ज़रूरी नहीं आपने एक या दो लाइन कहीं गलत लिखी हो, गलत इन द सेंस ये होता है कि आपने टॉपिक से घुमा फिरा के लिखी हो या कुछ भी लिखी हो और एग्जामिनर की नज़र उसी पर पड़ गई हो, तो आपके नंबर वहाँ पर कट हो जाते हैं। ये डिफरेंस होता है मेन। और हो सकता है किसी ने कुछ दो ही चार लाइनें अच्छी लिखी और एग्जामिनर की नज़र उसी पे पड़ गई, तो उसको वहाँ पे नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो देखिए, अब दोनों के बारे में बात करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल के बारे में। डिफरेंस थोड़ा सा ही है, आप देखिएगा। देखिए, फॉर्मल लेटर पे सबसे पहले लेटर का जो मैंने बोला था 10 नंबर जो होते हैं पूरे उसके स्ट्रक्चर पे मिलते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर सही किया है तो आपको 10 नंबर ये फिक्स हैं, ये मिलने हैं। जबकि ऐसे पे ऐसा नहीं होता है, ऐसे पे तो आपका सारा कंटेंट पे ही डिपेंड करता है, कंटेंट पे। और ये होता है कि आपने लिखा है किस, जैसे मैंने पहले बताया था कि इंट्रो पे उस टॉपिक का इंट्रो देना है, लास्ट जो हमारा होगा कंक्लूजन होगा, बीच में सारी होगी, कहीं आपको पूरी तरह निगेटिव नहीं होना है या कोई निगेटिव चीज़ है तो पूरी तरह पॉजिटिव होना है, न्यूट्रल होकर बोलना है, तो वो सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर सही लिखा है तो आपको 10 नंबर यहाँ पर कन्फर्म मिल जाते हैं। और फिर वही बॉडी पॉइंट पे होता है कि वही कंटेंट के ऊपर आगे, अगर कंटेंट अच्छा है तो 10 तो मिल ही गए, आपको वहाँ भी नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो मेन 10 होता है यही दोनों पे, एसे और लेटर पे डिफ्रेंशिएट करता है। और इसी लिए हमारा जो लेटर होता है ये ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है अगर कंपेयर टू एसे करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप समझिएगा जो मेन है कि जितनी भी चीज़ें लिखेंगे हम, ये मान लीजिए एक होता है साइड का जो हमारा हुआ, वो हम सारी लिखेंगे लेफ्ट साइड,
राइट साइड पे कुछ नहीं लिखेगा एज पर ये सीबीएसई का जो हमारा सिलेबस है, सीबीएसई ने 10th क्लास पे जो बता रखा है उस हिसाब से ही बोल रखा है एसएससी ने कि हमें वही चाहिए। कुछ कोई भी बोले सही है गलत है उससे मतलब नहीं है, जो भी सीबीएसई ने बता रखा है वही चाहिए। तो हम सारी चीज़ें लेफ्ट में लिखेंगे, कोई भी चीज़ राइट पे नहीं लिखेंगे। जैसे आप लोग पहले लिखते थे लेटर या एप्लीकेशन तो राइट पे लिखते थे योर सिंसियरली या आपका आगे कैरी जो भी हिंदी इंग्लिश में जो भी लिखता था, तो राइट में वो भी नहीं है, सारी चीज़ें लेफ्ट में लिखनी है। तो देखिएगा सबसे पहले शुरू करेंगे, ये हो गई आपकी, यहाँ से शुरू किया तो सबसे पहले जो आएगा, जैसे आप सेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये नहीं कि आपने अपना जो ओरिजिनल एड्रेस है वो लिख दिया, आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन, आपने एग्जाम सेंटर का नाम या एक्स वाई जेड या जो भी है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। मैं फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा तो सबसे पहले अपना मान लीजिए एक्स वाई जेड करके नाम था जो भी था वो लिख दिया। यही आप ये जरूर याद रखिए, आप अपना यहाँ नहीं कि आप जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है आप वो वहाँ लिखने लगे तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी आइडेंटिटी नहीं पता है तो उसे आप सो मत करिए कि अपनी आइडेंटिटी मैं यहाँ से हूँ या वहाँ से हूँ। सबसे पहले एड्रेस हो गया, उसके बाद आएगा डेट, जिस डेट को आपका एग्जाम हो रहा होगी वो आपकी यहाँ डेट आएगी। फिर उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं। एक मान लीजिए जैसे आपने नगर निगम को लिखना है, ठीक है, या केडीए को लिखना है जो भी है, तो आपने जैसे केडीए को लिखना है तो केडीए कानपुर, जैसे कानपुर पे लिखना है ना, केडीए कानपुर, इतना हो गया, ये हमारा हुआ। सारी चीजें लेफ्ट में ही रहेंगी, राइट पे कुछ भी नहीं आएगा, ये हो गया हमारा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है फॉर्मल लेटर की आती है सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिफ्रेंशिएट करती हैं, और उनमें से एक ये जरूरी चीज है सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा अगर फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, जबकि इनफॉर्मल लेटर पे ऐसा नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट छोटे से छोटा रखिए, एक लाइन पे दो लाइन पे जैसा भी हो आप लिखिएगा, ये बात करिएगा कि एक लाइन पे ही आ हो जाए, ये नहीं कि आपने चार लाइन का वही लिख दिया बॉडी पार्ट तो और कम हो गया, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सर, ठीक है, इतना हो गया हमारा जो मेन फॉर्मेट था। अब हमारी आएगी बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में जितना भी हमको लिखना है, ये तो हमारा यहाँ सबसे पहले क्या था, आपका एड्रेस, फिर डेट, फिर आ गया जहाँ पे आपको सेंड करना है मतलब रिसीवर से एड्रेस, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सर लिख के, ठीक है। अब एक चीज़ ये चीज़ और देखिएगा, सब्जेक्ट ये जो रहेगा वो हमारा सारा सेम लाइन पे रहेगा, फिर उसके बाद हम सर लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो हम अपना कंटेंट लिखना चालू करेंगे वो बिल्कुल यहाँ से नहीं लिख के सर के राइट से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी चीज़ें रहेंगी, ये बिल्कुल जो हमारा सटा हुआ पोर्शन आता है, एकदम जैसे बॉक्स ही होता है, तो बॉक्स में ये पहले ये सारा पहले बॉक्स में आएगा, ये जो हमारा पहले बॉक्स में है, लेकिन यहाँ जो आएगा ये हमारा दूसरे बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। सर हो गया, सर के बाद जो आपको लिखना है वो सबसे ज़रूरी बात ये आई, देखिए आपने अगर ये सारी चीज़ें लिख दी तो आपके 10 नंबर पक्के हैं, 10 नंबर पक्के अगर उसको सही लगा तो, देखिए फॉर्मेट तो ये सही, लेकिन आपने हो सकता है कुछ गलत कर दिया हो, जैसे सर है तो एक ये आपको एक ब्लॉक छोड़ के स्टार्ट करना है, वो आपने किया है तो आपको पूरे 10 में 10 मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया, इसके जो हमारा बॉडी पार्ट होगा उसको आप तीन पैरा पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तीन पैरा पे डिवाइड करेंगे। तो पहले पैरा पे तो आपका ये आएगा कि आपको वही जो एसे पे था वो यहाँ भी थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रो देना है कि टॉपिक किस बारे में है, सिर्फ हिंट देनी है कि हाँ मैं आपको लेटर इसलिए लिख रहा हूँ, मैं ये हूँ अपना, जैसे कि मैं यहाँ का हूँ और मुझे इस बारे में आपको लेटर लिखना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पैरा आएगा उसमें आप सारा डिटेल पे एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड लिमिट का याद रखिएगा 150 होता है, तो आप ये समझिए ये अगर आप सारा लिखेंगे डेट और ये सारा काउंट करेंगे तो अराउंड 30-35 वर्ड आपके पहले ही हो जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा जो पहला हुआ मान लीजिए तीन पैरा पे लिखना है, तो पहला हमारा इंट्रो और लास्ट कंक्लूजन, बीच आया बॉडी पार्ट,
तो बॉडी पार्ट सबसे बड़ा है, इसको आप 70 to 80 वर्ड पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही बात है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कम शब्दों में कितना अच्छा लिखना है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर से आएगा। तो पहला इंट्रो कि मैं ये हूँ और मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ मैं आपको इस समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, ये वो सारा हो गया। उसके बाद मेन आएगा, मेन पे जो भी है पूरा आपको जो टॉपिक है पूरा डिटेल पे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एक टॉपिक लेते हैं कि हमको लिखना है कि हमारे गली पे अंधेरा है, ठीक है, उस पे वहाँ पे रात पे अंधेरा है तो वहाँ पे यही है कि चोर खतरों या सबका डर रहता है, तो वहाँ से हम बोल रहे हैं कि आपको लाइटों की व्यवस्था करानी है। तो देखिए पहला आप शुरू करेंगे, सर मैं ये हूँ, यहाँ सर से शुरुआत किया, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखेंगे, सर मैं ये हूँ और मैं इस समस्या पे आपका विचार आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे जो मोहल्ले की लाइट है वो ख़राब है, सिर्फ इतना, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट आएगा, तो आप सारा बताएंगे कि लाइट ख़राब है तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको सारी बतानी है, कि चोर आते हैं वहाँ पे भीड़ लग जाती है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हो गया। कंक्लूजन पे आप ये लिखेंगे, सर मैं ये होप करता हूँ कि वही कि हमेशा एंडिंग करनी किसी भी चीज़ की तो इस तरह करिए कि ये लगे कि आप होपफुल हैं, ये नहीं कि आप तो डिमोरलाइज हो गए, अरे सर ये ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ये नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज पे, सर मैं होप करता हूँ कि आप समस्या की कितनी विकट है आप ये समझेंगे तथा इस पर जल्द से जल्द जो कदम आप उठा सकते हैं वो उठाएंगे। उसके बाद इतना हो गया हमारा बॉडी पार्ट का, ठीक है। उसके बाद आपको थैंक यू लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है, जो भी है कि आपका अपना नाम एक्स वाई जेड करके वो लेफ्ट में ही लिखना है सारी चीज़ें, राइट पे कुछ भी नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी बात ये कि राइट पे कुछ नहीं आएगा, सारी चीज़ें लेफ्ट पे होंगी। तो ये एक फॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल लेटर मैंने फिर से वही कि अगर आप किसी को लिख रहे हैं, एक संस्था को लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं लिख रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा फॉर्मल लेटर, या कोई भी संस्था आपको लिख रही है तो वो भी फॉर्मल लेटर पे ही काउंट होगा। आप बैंक पे लिख रहे हैं या किसी के अपने कॉलेज के लिए लिख रहे हैं या कुछ भी है तो आप वो सारा फॉर्मल लेटर पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का था। मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले अपना एक्स वाई जेड, अपना एड्रेस होता है, एड्रेस है लेकिन आपको अपना नहीं लिखना है, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सर और पहला ब्रैकेट छोड़ के फिर आपको तीन पैरा में डिवाइड करना है। पहला उसका इंट्रो, लास्ट उसका कंक्लूजन और बीच वाला उसका जो हमारा मेन जो टॉपिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है वर्ड लिमिट के अंदर, ठीक है। और लास्ट में हमारा लेफ्ट साइड पे ही आएगा अपना योर सिंसियरली या आपका जो भी होता है जो वो आपको यहाँ लिखना है, वो ये डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा ही होगा कि अगर कॉलेज को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी या जो भी है वो आप इस तरफ लिख के लेटर की एंडिंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बात कहता हूँ, क्योंकि SSC ने अभी तक फॉर्मल लेटर पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जितने भी अगर उसने CGL और CHSL और MTS का भी एक बार SL करा चुका है लेटर वाला, तो वो नहीं पूछा है। तो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल आता है, तो इनफॉर्मल की बात करते हैं। अगर बात करें इनफॉर्मल की, तो फॉर्मल से इनफॉर्मल पे थोड़ी सी छूट मिल जाती है, क्योंकि फॉर्मल लेटर वही है कि आपको ऑफिस पे लिखना या कहीं भी लिखना है तो उस पर आपकी गलती नहीं हो सकती। इनफॉर्मल लेटर ये आता है कि पर्सन टू पर्सन, आप अपने किसी जानने वाले को लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, मम्मी पापा को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, अपनी प्रेमिका को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो आजकल तो कोई लिखता ही नहीं है प्रेमिका को, व्हाट्सएप है, तो यहाँ हुआ। तो बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। ठीक है, तो बात कर देखिए इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर पे, कि फॉर्मल का पैटर्न फिक्स है, उस पर आप चेंज नहीं करेंगे, अगर चेंज किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। इनफॉर्मल पे ऐसा नहीं है, उससे थोड़ी सी लिमिटेशन यहाँ पे कम हो जाती है, तो उस पर भी सारी चीज़ें। एक सबसे ज़रूरी बात दोनों लेटर पर यही होगा, जितनी भी चीज़ें लिखनी है आपको सारी लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट पर हमारा कुछ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही जो सेंड कर रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर आएगा डेट, हो गया। सबसे पहले अपना एक्स वाई, अपना जो सेंड कर रहा है उसका एक्स वाई जेड, फिर डेट। यहाँ पे सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सही है,
नहीं लिखते हैं तो भी सही है, अगर आपने लिख दिया तो ये नहीं है कि आपको उस लिए नंबर कट जाएंगे, पर मोस्ट प्रॉबली नहीं लिखें, क्योंकि यही कुछ चीज़ें मैं आपको बोल रहा था कि कुछ चीज़ें आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल में जो अलग करती है वो मेन आता है सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पे। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस अगर इनफॉर्मल आ रहा तो सब्जेक्ट मत लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड मतलब आपका अपना एड्रेस, ये डेट लिखनी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे जिसको आप सेंड कर रहे हो वो एड्रेस भी नहीं लिखना है, क्योंकि इनफॉर्मल पे वो देखिए एक तो ये होता है कि ऑफिस का जब आता है फॉर्मल का तो वहाँ पे आपको सारी बहुत सारी डेस्क हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर डेस्क में पहुँचाना है, इसलिए आपको जहाँ सेंड कर रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखना होता है। जबकि यहाँ पे इनफॉर्मल पे क्या होता है, आपको अपने दोस्त के घर भी पहुँच जाए तो बात सेम हो गई, घर का ये नहीं कि आपके चार दोस्त हैं तो पर्टिकुलर एक दोस्त के पास, तो आपको यहाँ जिसको सेंड कर रहे हैं उसको एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ से फिर शुरू करेंगे डियर या जो भी है हिंदी पे आप जो भी लिख रहे हैं आपका वो आएगा डियर, फिर पहला छोड़ के इसमें भी पहला ब्लॉक छोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे आगे, इसमें भी आप तीन पे ही रख सकते हैं पहला वही। इनफॉर्मल पे यही होता है ना कि इनफॉर्मल की कुछ चीज़ें फिक्स हैं, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, एसएससी ने सरल अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल में अगर आप बोलते हो तो इनफॉर्मल का थोड़ा सा सरल पड़ जाता है, क्योंकि फॉर्मल पे वही मैं कि सारे ऑफिसर्स के पास बातें जानी है तो उस पर आपकी गलती तो आपके ऊपर ज़्यादा होगा, इनफॉर्मल तो आपके आपस की बात है, कुछ गलत भी हो गया तो ज़्यादा नहीं होता है। तो शुरू करना है डियर, फिर यही कि मुझे आपका जैसे कि आपको अपने भाई को लिखना है, एसएससी ने एक बार पूछा था कि आपको अपने भाई के ऊपर लिखना है कि उसके मार्क्स कम, उसने सॉरी ये पूछा था कि ऑनलाइन परीक्षा पे कैसे उसको देना है, उसके आपने दे रखी है उसका पहली बार परीक्षा होनी है तो आप उसे कैसे सजेस्ट करेंगे। तो एक्स वाई जेड डेट डियर इतना हो गया, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे पहला ब्लॉक छोड़ के, शुरू में करेंगे जैसे कि प्रिय भ्राता या प्रिय भाई, हिंदी पे लिखना है प्रिय भाई, मुझे आप माता पिता का या आप तुम्हारे द्वारा भेजा गया लेटर मिला, मुझे सुन के खुशी हुई कि तुम तथा माता पिता खुश हो तथा स्वस्थ हो, तो माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को सेपरेट भ्रेम। ये होता है, ये शुरू करने की ये फिक्स लाइन है, अगर आप किसी को भी लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपका मुझे आपका पत्र मिला था, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग खुश हैं, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, ये सारी चीज़ें पहले पे। फिर उसके बाद मेन बॉडी यहाँ भी आपको कंटेंट है वही कि कम शब्दों में सारी चीज़ें आपको बतानी है और इतनी अच्छी तरह बतानी है। देखिए अगर इनफॉर्मल लेटर की बात करें या फॉर्मल लेटर की, तो ऐसे जो एग्जामिनर चेक करेगा ऐसे पे तो ये होता है कि उसकी नज़र कहीं पे भी जा सकती है, इस पे क्या होता है वो आपका फॉर्मेट देखेगा, एक नज़र पे उसका आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। उसके बाद वो मेन आता ही है कंटेंट पे, जो तीन पैरा हैं तो बीच वाले पैरा पे ही मेन आता है। अब वो पूरे पैरा पे उसने एक कई लाइन पढ़ ली, उसको एक या दो लाइन में वो उसने सारा सार निकाल लिया कि आपने क्या लिख रखा है। तो ये हो गया, बीच में आपको सारा लिखना है कि जैसे कि ये कि मैंने सुना कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी चिंता है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि उसके विषय में कुछ नहीं है, नॉर्मल सी सारी चीज़ें जो भी आपका अपना ज्ञान है उसमें सारा भर दीजिए बीच वाले टॉपिक पे। लास्ट में यही आएगी कि मैंने ये पत्र लिखा है इसके आप उत्तर सोचूंगा कि आप जल्दी लिखोगे, ये सारी चीज़ें आप करके एंडिंग करेंगे, और सारी वही है कि एंडिंग करेंगे हैप्पी नोट पे एंडिंग करेंगे, ये नहीं कि आप मम्मी पापा को लिख रहे तो रोने लगें, ऐसा मत करिएगा, हैप्पी नोट पे एंड करिएगा कि हाँ मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश होंगे, और मुझे पत्र लिखते रहिए, बात करते रहिए, और जो भी कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये हुआ, फिर आप लेफ्ट साइड पे ही लिखेंगे तुम्हारा प्री और अपना जो भी एक्स वाई जेड था तो ABC करके एंड कर देंगे। तो ये दोनों पे था, मैं फिर से बोलूँगा कि लेटर का जो स्कोरिंग करें तो ये थोड़ी ऐसे से अच्छी पड़ जाती है, आप अगर कॉपियाँ उठा के देखेंगे अगर किसी को भी मिलती है तो आप देखेंगे कि लेटर्स पे नंबर ज़्यादा मिलते हैं तथा ऐसे पे कम मिलते हैं। रीज़न वही है कि वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पढ़ता भी है एग्जामिनर तो भी अगर उसको बहुत भी अच्छा लगा तो इससे ही कम नंबर मिलते, क्योंकि इसमें तो 10 नंबर मैंने पहले ही बोला आपके स्ट्रक्चर के ही फिक्स हो गए, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो वो मिल ही गए, और जबकि लेटर ऐसे पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा था जो लेटर कैसे लिखे ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से ही बोलूँगा कि आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको पता होगा कि जो बॉडी मेन है उसको कम से कम शब्दों में कैसे लिखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप लिख के जाएंगे वही आ जाएगा, पर एक चीज़ होती है जैसे कोई भी टॉपिक हो आपने
इतना बड़ा सोचा तो उसको कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। फॉर्मेट तो आप एक दो बार ही लिखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा, हाँ इस फॉर्मेट पे ही होता है, ये होता है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका आपको लिंक दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो जैसे कि ऐसे के लिए काफ़ी बच्चों ने भेजे हैं तो मैंने उनको बताया भी है क्या कैसे करना है, और लेटर के में भी वही बोलूँगा कि आप लोग लिखिए। देखिए टॉपिक का क्या हुआ कि मैंने एक दो लिख दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ज़रूरी नहीं आप वो लिखें, अगर आपका मन है तो वो लिखें, नहीं तो आप जो भी आपको लगता है कहीं और से भी इंपॉर्टेंट कोई और टीचर या कोई भी आपका जानने वाला बता रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अगर मन करे तो आप शेयर कर लीजिए, मैं भी आपको शेयर कर लूँगा। तो अगर आपसे कुछ हेल्प होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप तो देना ही है 29 तारीख को, आप भी दीजिए, खुश रहिए और क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।